हाय गाइस, वेलकम टू सुरोज ब्लॉग अगेन। जैसे कि आपको पता है, हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ चेकलिस्ट। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, पार्ट वन आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अभी क्या है, पार्ट वन के बाद ये जो मैं चेकलिस्ट लेके आया हूँ, ये उससे भी ज़्यादा अपडेटेड है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं, सिमिलर सेम वही चीज़ें हैं। लेकिन गाइस, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो भी आपकी चेकलिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग चला करो। मैंने कई लोगों को इसमें जो नोटिस किया है, जो मैंने इसमें जो वन से लेकर ये आपके 6.3 तक मैंने पॉइंट बताए थे अपने पहले वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी देखा है लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ गलती कहाँ पर हो रही है। देखो गाइस, जो पॉइंट नंबर 2.2 है ना, ये 2.2 इसमें क्या लिखा है, टू कलर फोटोज़। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो क्या कर रहे हैं, ये जो फोटो है ना, इसको अपना पुराना फोटो भेज रहे हैं। गाइस, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हर चीज़ अपडेट रहो, इसको आप ढंग से देखो। इस लाइन को स्पेसिफिकेशन में पासपोर्ट टाइप वाइट बैकग्राउंड 35 mm x 45 mm, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एंड नो मोर देन 6 old month, तो 6 महीने पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं चाहिए। भाई, जब इतना पैसा लगा दिया आपने पोलैंड की वीज़ा के लिए और आप चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है गाइस आपका, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप जो भी चीज़ कर रहे हो, जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से करो, ठीक है। रिजेक्शन आएगा नहीं आएगा, दैट इज़ ए डिफरेंट पार्ट। लेकिन अपने साइड से आप जो है अपनी फाइल बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ। कैसे, जब आप डॉक्यूमेंटेशन लेके जाओगे तो ये चेकलिस्ट भी आपको लेके जानी पड़ेगी साथ में। तो क्या करना पड़ेगा, आपको नाम डाला, पासपोर्ट नंबर डाला, जस्ट ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है। याद रखना, चेकलिस्ट फॉर पॉलिस नेशनल वीज़ा वर्क, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है, ठीक है। और आप जो है सारी की सारी चीज़ें जो है इसको कैपिटल लेटर में भरोगे, ठीक है। कैसे, देखो, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट ब्लैंक सिग्नेचर ट्वाइस बाय द एप्लीकेंट, 18 साल की उम्र होगी आपकी, वीज़ा एप्लीकेशन पर्सनली द सिग्नेचर ऑफ द सेम, जैसे पासपोर्ट में वैसे सिग्नेचर ही मांग रहे, बट ऐसा कोई इतना ध्यान देता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सिग्नेचर मैच करना। अब गाइज, जो मैंने 6.3 तक बता चुका हूँ आपको अपने पहले वाले वीडियो में, अब हम आगे की बात करेंगे 6.4 की, ठीक है। 6.4 क्या कहता है कि इन केस अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने कई कंपनियाँ देखी है जो यूएई में या इंडिया में है, वो सेम पोलैंड में भी अगर आपको वो बुला रही है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो आपको कन्फर्मिंग ट्रांसफ़र लेटर चाहिए, ठीक है। अप्रूविंग आपको लीव चाहिए और एब्सेंस ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसफ़र लेटर चाहिए आपके करंट एम्प्लॉयर से कि आप वहाँ पे जा रहे हो। मैंने बहुत सारी नोटिस करी, बहुत सारे लोग जो है ना गाइस, इस समय स्टूडेंट वीज़ा भी लेके बैठे हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा, रिजेक्शन आ रहा है स्टूडेंट वीज़ा में। सोचो, तो उससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो गाइस, ठीक है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है ना, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब आपकी मर्जी है, ये लिखा है। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं होती ना, तो ये भी लिखा भी नहीं होता, ठीक है। ये भी चीज़ याद रख लेना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर बता रहा हूँ गाइस, ये जो चेकलिस्ट बनती है, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, ये बहुत ही एक जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी चेकलिस्ट बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है ऑप्शनल में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं डालोगे, ऑप्शनल वाला डेटा भी आप लेके जाओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, लेकिन लेके जाओ। और गाइस, फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास MBA की डिग्री है और आप फैक्ट्री वर्क में जा रहे हो, वो भी सही नहीं है, अपना 12th का ही सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है। तो 6.5.1 प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास जो स्किल्स है, कॉपी ओरिजिनल लीगलाइज अटेस्टेड आप करवा सकते हैं, ठीक है। और अब तो एपोस्टल तो हर जगह ही चल रहा है, पूरे शनिगन एरिया में एपोस्टल जरूर हो जाएगा, देख लेना 2023 में, अभी तक नहीं होता था, ठीक है। 6.5.2 वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कॉपी और ओरिजिनल दोनों चीज़ आपको लेके जानी है, ठीक है। तो गाइज, कोई भी आपका पेपर आता है ना पोलैंड से, उसकी तीन कॉपी करो, तीन में एक अपने पास रखो। मैंने कई लोगों को देखा है सबमिट करते थे, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा मत करो गलती, तीन कॉपियां आप जरूर करो, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एकोमोडेशन, 7 नंबर पे आ जाओ। देखो, 6.5.3 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, PCC बोलते हैं, ये ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, हमारे एजेंट ने मना किया है,
लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है गाइज, वो ऑप्शनल लिखा है, ऑप्शनल कहने का मतलब आपकी मर्जी, लेकिन इसके पीछे क्या लिखा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो आपको डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। तो ये आप तीन चीज़ें ज़रूर लगाओ, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम एकोमोडेशन। एकोमोडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द बुकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन ऑफ इंटरस्टे इन पोलैंड, ठीक है। लीज एग्रीमेंट टाइप ऑफ, ये तो सभी दे देता है, एकोमोडेशन प्रूफ आपको हर कोई दे देता है, ठीक है। उसके बाद आपके एडिशनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एप्लीकेंट आर अलाउ टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट कंसीडर टू जस्टिफाई। अच्छा, जो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट लिखे हैं ना 8th पॉइंट में, ये नंबर 10 रिजेक्शन का मेन यही रीज़न है। तो बहुत सारे लोगों ने नोटरी बनाई है, इसमें नोटरी बनाई है तो उनका लग गया वीज़ा, ठीक है। ये 8 नंबर देखोगा इस, आप ध्यान ही देते हो, लेकिन इसमें एक एक वर्ड देखने वाली चीज़ें हैं। 8 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखो, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई, एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। आप जस्टिफाई करोगे किसको, ये भी देख लो आप, ट्रिप को, जो भी आप वर्क परमिट में जा रहे हो उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसा होता है कि मैं वहाँ तब तक काम करूँगा जब तक मेरा परमिट वैलिड है, नहीं तो मैं वापस अपनी होम कंट्री में आऊँगा और मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। लेकिन कैसे, ये आपको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा। आप नोटरी बना सकते हो, स्टैम्प पेपर ले सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह जो है, बांग्लादेश में भी चीज़ बनती है, ठीक है। उसके बाद गाइज आता है रेजिडेंस प्रूफ। अब रेजिडेंस प्रूफ क्या होता है, देखो, एन IDD कंफर्मिंग लीगल रेजिडेंस विद द एम्बेसी काउंसिल जुडिशरी, ठीक है। रेजिडेंस प्रूफ में क्या होता है, आपकी कंट्री का रेजिडेंस प्रूफ आप दो तरीके से लेके जा सकते हो। लेट्स एग्जांपल, आप UAE या कतर में काम कर रहे हो, तो UAE का भी लेके जाओ और इंडिया का आधार कार्ड भी लेके जाओ, ठीक है। ये मैं हमेशा मांगता हूँ, जो भी हमारे से फाइलिंग कराता है ये चीज़ मैं उनसे ज़रूर मांगता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ मैं जो है उनको एम्बेसी के अकॉर्डिंग काम करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट का डेटाबेस आप देखो, वन कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट डेटाबेस फर्स्ट टू लास्ट, यानी पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो है आपको ये सारा का सारा काम प्रिंट करना पड़ेगा अपने पासपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद देखो 10.2, कॉपी ऑफ द पेज ऑफ शेंगेन वीज़ा इफ इश्यूड, इफ द वीज़ा वॉज प्रीवियस पासपोर्ट प्लीज अटैच द कॉपी डेटाबेस फर्स्ट एंड लास्ट। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, आप कभी पहले पोलैंड गए, आपने पोलैंड में काम किया या फिर किसी भी शेंगेन कंट्री में काम किया, चाहे वो आपका लास्ट पासपोर्ट भी ना हो, प्रीवियस यानी ओल्ड पासपोर्ट भी ना हो, उसके फिर भी उसकी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कॉपी आपको लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे आ जाओ सबके सब, हियर बाई कन्फर्मिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ द, आपने साइन कर दिया। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, द एम्बेसी ऑफ काउंसलेट रिपब्लिक रिजर्व राइट, ठीक है, टू एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन इफ डीम्ड नेसेसरी, ठीक है, ऑन द टू द इंटरव्यू द एम्प्लॉय। इंटरव्यू लाइन पढ़ लो, हाँ, बहुत सारे बोलते हैं कि इंटरव्यू नहीं होता, आप लाइन पढ़ लो, इंटरव्यू द एप्लीकेंट, ठीक है। द वीजा प्रोसेसिंग पीरियड 15 डेज का होता है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं सुधीर भाई कब तक होता है, 15 डेज का रहता है, हाउ एवर द पीरियड मे बी एक्सटेंड 30 डेज, ठीक है, और मोर, एप्लीकेशन सबमिट टू द लेस देन 30 डेज बिफोर ट्रेवल इंटेंट ट्रेवल टू द एक्सेप्टेड ऑफ ओन रिस्क, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, मैं आपको पूरा क्लियर बताता हूँ। वीजा जो प्रोसेस है उसमें 15 दिन लगते हैं और 30 दिन में लग सकते हैं और सर ज़्यादा भी, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट लेस देन 30 डेज बिफोर द इंटेंट ऑफ ट्रैवल, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, आपने जो है 1 अप्रैल को अपना वो करा रखा है, ठीक है, अराइवल करा रखा आपने वहाँ जाने का, ठीक है, ट्रैवल डेट बुक करा रखी है। अगर उसके बीच में आपके आपकी वजह से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो डेट एंड प्लेस आप डालोगे, सिग्नेचर डालोगे, एप्लीकेंट सिग्नेचर हो गया, ठीक है, और इंक्वायरी में नहीं डालना अपने सिग्नेचर, एडिशनल कमेंट, ख़त्म। ये था गाइस मेरा पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर जो है वीज़ा पॉलिश लैंग्वेज, जो वीज़ा की चेकलिस्ट है उसके ऊपर। तो आप ये दोनों पार्ट जरूर देखना, ये बहुत काम आएगा गाइस, फिर बोल रहा हूँ। इसमें आप इतना पैसा लगाते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, दिक्कत ये, इसलिए मैंने लर्निंग चैनल बनाया जो आप लोगों के काम आएगा, ठीक है गाइस। तो टेक केयर, और मिलते रहेंगे सुदीप रावत ब्लॉग में, और सीखते रहेंगे अपना कुछ नया, ठीक है, थैंक यू गाइस।